अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आज का मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ कपड़े धोने से। सारे सुबह के काम मैंने कर लिए हैं, नाश्ता वगैरह, बर्तन सफाई सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े थोड़े से थे तो मैंने कहा आज हाथ पे ही धो लूँ, मशीन नहीं लगाई, मशीन की ज़रूरत नहीं थी। कम कपड़े थे तो मैंने भिगो के रख दिए। थोड़ी देर के बाद उनको अच्छी तरह से मल के ब्रश के साथ, जो जो कॉलर वगैरह थे गंदे, उनको ब्रश के साथ मल के साफ़ सुथरा करके धो लिया। तो बस आज मैंने कहा यहाँ ब्लॉग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए क्योंकि रोज़ाना एक जैसी रूटीन देख के आप लोग भी तंग हो जाते होंगे और बोर हो जाते होंगे। तो मैं रोज़ाना ये सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ नई चीज़ हो। कभी नाश्ता दिखा दिया, कभी कभी दोपहर की रूटीन, कभी शाम की रूटीन, और कभी जब बाहर जाती हूँ तो छोटा मोटा वो भी लोग बना लेती हूँ। तो आज फिर मैंने नाश्ते वगैरह करके सारा काम ख़त्म करके उसके बाद जो काम थे ना मैंने कहा वो आज आपको वो दिखाती हूँ। तो जनाब, कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जब मैं कपड़े वगैरह धो रही थी तो बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी थी, और मैंने स्पिन भी नहीं किए कपड़े और ऐसे ही जाके छत पे डाल दी। इतनी शदीद गर्मी थी कि आधे घंटे के अंदर बिल्कुल कपड़े सूख के ऐसे जैसे मैंने धोए भी ना। और शाम को जब ऊपर छत पे गए तो इतने मज़े के बादल आए हुए थे, एकदम से ऐसे काली घटा छा गई और फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लेकिन रात को इतनी नहीं हुई, जब सोए और सुबह फजर का टाइम हुआ ना तो इतनी शदीद बारिश और आंधी कि मैं आपको क्या बताऊं। सुबह तो सारी जब उठ के बाहर देखे तो गलियां वलियां सब फुल भरी। यहाँ पे बॉयल हो रही है हमारी माश की दाल, जिसके ऊपर आ गई झाग और वो मैं साथ साथ उतारती जा रही हूँ। तो जनाब, दाल हमारी बॉयल हो चुकी है, उसको मैंने निकाल लिया है छन्नी में। यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं प्याज, हल्के से ब्राउन होते हैं तो इसमें डाल देंगे। ये मैंने धनिया, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें कूट ली हैं इसके अंदर। तो जैसे ही हल्के से ब्राउन होते हैं उनके अंदर मैं ये डाल दूंगी, इसको भूनूंगी और फिर टमाटर और मसाले डाल के तो दाल अपनी, जब टमाटरों का प्याज खुश पानी खुश्क हो जाएगा तो ये डाल देंगे दाल, तो हमारी मज़ेदार सी दाल हो जाएगी रेडी। और ये है जी हमारी अपनी क्यारी वाला खीरा, इसको भी कट कर लेते हैं। सलाद में बड़ा अच्छा लगता है, तो देसी शक्ल तो इसकी अजीब सी होती है लेकिन जायका इसका सेम वैसा ही होता है, जो बाज़ार वाला खीरा नहीं होता वैसे ही। यहाँ पे कट गए जी हमारे खीरे, उधर से हमारा सालन भी रेडी हो रहा है। तो जनाब, मसाला हमारा भुन गया और दाल मैंने डाल दिए बॉयल की हुई। तो जनाब, हमारी मज़ेदार सी होटल स्टाइल दाल हो चुकी है रेडी। इसके ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, बस ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो जनाब, आज मैंने थोड़ा सा सौदा मंगवाया है और सौदे में आया है जी चावल, हमारे फेवरेट चावल और दही और हसबे मामूल जो हमारा दूध है रोज़ का। और आज कुछ मीठा भी आया है क्योंकि आज बड़ा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो मीठा आया। अभी इसको मैं खोलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि आया क्या है। तो जनाब, यहाँ पे आई थी पेस्ट्रियाँ और डोनट्स। तो काफ़ी दिन हो गए थे, बड़ा दिल कर रहा था कुछ खाने को मीठा, तो फिर ये मैंने मंगवा लिए, तो बड़े अच्छे थे, मज़ेदार थे। तो बस आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है, और जो न्यू आने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो आज की इतनी वीडियो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में हमेशा मुझे याद रखा करें, और मैं भी आप लोगों को हमेशा अपनी दुआओं में याद कर रखती हूँ।